तो बस स्टार्ट हो गए फाइनली। चल भाई ध्यान रखना अपना, ठीक है? ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। गया भाई, गया भाई, गया गया भाई, हम ही रह गए भैया। सो हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज है जन्माष्टमी का दिन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। ये देखो भाई पीछे, ये रहे हमारे कान्हा जी हमारे साथ। कान्हा जी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और आज का प्लान है जाने का जन्माष्टमी के फंक्शन में जो कि हर साल होता है मंदिरों में और हम जाते भी हैं। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ रुद्रपुर, वहाँ मेरा ना एक दोस्त रहता है नयन, तो जाएंगे उसके साथ मस्त और इंजॉय करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे हमारे कान्हा जी का बर्थडे। बाकी अभी तो 5 ही बज रहे हैं, तो जब हल्का हल्का अंधेरा होगा ना तब जाएंगे भाई, बिकॉज फंक्शन स्टार्ट तब होता है ना। तो चलो इतने एक गाना गाते हैं हमारे कान्हा जी के लिए, गाना नहीं भजन गिटार पे। चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, देव के नंदन सबको वंदन कर दे सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण की जयकार, मन मंदिर में सजे बिहारी, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो अभी बाहर आ गए हैं रोड पे और भाई देखो अंधेरा होने ही वाला है और सामने शुरू हो गए हैं भजन मंदिर में। जय हो जय माता दी। तो अभी आ चुके हैं न्यू घर पे और देखो भाई यहाँ पे आ गई है टाइल है हमारे घर के लिए, तो अब टाइल वाला काम शुरू होगा घर में, टाइल लगने वाली है। तो अभी आ चुके हैं छत पे और देखो भाई यहाँ से व्यू सामने का, आज गाइस पहाड़ बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ। और ये देखो आसमान रेड रेड, भाई क्या प्यारा मौसम हो रहा है आज। तो आ गए हैं घर से और भाई अंधेरा हो ही गया ऑलमोस्ट, तो चलो भाई अब निकलते हैं फाइनली मंदिर के लिए जहाँ पे फंक्शन होगा जन्माष्टमी का। तो गाइस निकल चुके हैं और यहाँ से है रुद्रपुर आधा घंटा दूर। और हाँ गाइस आज मैंने फर्स्ट टाइम रखा है जन्माष्टमी का व्रत, पहली बार। तो हाँ मेरा बहुत मन कर रहा था तो मैंने रख लिया, लेकिन भाई भूख बहुत लग रही है क्योंकि बहुत टाइम से कोई मैंने व्रत रखा नहीं था और साथ में भाई सुबह से सिर्फ एक केला खाया है, सिर्फ एक केला। तो हाँ काफ़ी भूख लग रही है, पर कोई बात नहीं, चलो अब जब आएंगे ना वापस रुद्रपुर से तभी खाना खाएंगे। अभी फिलहाल 7 बज चुके हैं, देखते हैं कब तक आते हैं, वहाँ से आने के बाद ही भोजन खाएंगे, व्रत खोलेंगे। चलो फिर अब मिलते हैं आपसे मेरे फ्रेंड के पास पहुँच के। तो पहुंच चुके हैं रुद्रपुर और नयन भी आ चुका है। क्या हाल है भाई की? बढ़िया, राधे राधे। राधे राधे भाई, बहुत टाइम बाद मिलने यार, है ना, बहुत टाइम बाद। तो आज हमको नयन ही लेके जाएगा यहाँ के मंदिर रुद्रपुर के, बिकॉज मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में, नयन को भी पता है। चले फिर आज हम जाएंगे 2-3 मंदिर, 2-3 बढ़िया वाले जहाँ पे प्रोग्राम वगैरह सब होता है, डांस वगैरह भी होता है। तो पहुंच चुके हैं पहले मंदिर में, देखो भाई क्या प्यारा लग रहा है, चलते हैं अंदर। राधे राधे। गाइस ये देखो यहाँ पे गुफा है भाई, गुफा नीचे पानी भी है भाई, कितनी सही बनाई यार, बहुत मजा आया है ना गाइस, बहुत प्यारी गुफा है यार, बहुत प्यारी। देखो राधे राधे सबको, राधे राधे। तो अभी गाइस एक मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और भाई वो क्या प्यारा सजा रखा था आपने देखा, वहाँ पूरा एक तरह से वृंदावन बना रखा था भाई, इतना प्यारा लग रहा था ना सच्ची में, और वहाँ पे गुफा भी थी भाई अंदर। तो हाँ अब चलते हैं दूसरे मंदिर में। तो अभी दूसरे मंदिर से भी आ गए हैं
और भाई यहाँ पे हो रही थी हनुमान जी की झांकी और भाई हमको केला मिला खाने के लिए, प्रसाद मिल गया साक्षात, हनुमान जी ने खुद खिलाया भाई हमको, बेस्ट। तो चलो अब चलते हैं थर्ड मंदिर, तीसरे मंदिर में चलो। तो अभी गाइस तीसरे मंदिर से भी आ चुकी हैं जो कि था खाटू श्याम जी का मंदिर। अब हम जा रहे हैं गाइस एक डांस वाली जगह पे जहाँ पे सब डांस करते हैं, नयन बता रहा है मुझे। तो चलो भाई अब चलते हैं हमारी लास्ट जगह पे। तो गाइस पहुंच चुके हैं डांस वाली जगह पे, देखो यहाँ सब लोग बैठे हैं और यहाँ सामने डांस हो रहा है, मतलब झांकियां हो रही है। राधे राधे, हाथी घोड़ा पाल की। तो फाइनली गाइस सारे मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं, सच्ची में गाइस बहुत ही अच्छा लगा। और टाइम हो गया अभी रात के 11, भाई 11 बज चुके हैं, बहुत लेट हो गए। चलो भाई आप चलते हैं घर पे वापस, नयन को बोलते हैं बाय बाय। चलो ओके ब्रो, गुड नाइट। मजा आ गया आज का, मजा आ गया ना। राधे राधे, राधे राधे। तो पहुंच चुके हैं हल्द्वानी अपने घर और 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट पड़े हैं। तो चलो भाई करते हैं पूजा कृष्ण जी की और फिर उसके बाद हमारा व्रत तोड़ेंगे, खाना खाएंगे। जय राधे कृष्णा। तो गाइस 12 बज चुके हैं और हमने पूजा भी कर ली है, तो चलो अब खोलते हैं फाइनली हमारा व्रत, खाते हैं खाना। भाई बहुत भूख लग रही है यार, देखो खाने में है दाल, आलू की सब्जी और रायता, और इसमें हमारी रोटी है, हमारे लिए खाना रख दिया था मम्मी जी ने। तो खाना हो गया है और आ चुके हैं अपने रूम पे। चलो भाई अब सोते हैं, करते हैं रेस्ट। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अब कल रात को, क्योंकि कल रात को ना एक थोड़ा सा सैड सीन होने वाला है, तो वो आप आगे ही देखना। चलो जो भी है अब फिलहाल हम आराम करते हैं। राधे राधे गाइस। सो अभी गाइस टाइम हो गया रात के 8 और अभी गाइस पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ आज ना गाइस, थोड़ा सा इमोशनल सीन होने वाला है, क्योंकि मेरा दोस्त जो लक्ष्य है ना आप जानते ही होंगे, वो पढ़ाई करने के लिए भाई बाहर जा रहा है दूसरे शहर में। तो हाँ गाइस, मतलब जब हम ना कॉलेज में थे ना, हम साथ में घूमते थे, व्लॉग बनाते थे, तो उस टाइम पे ना मैं ये सोचता था कि भाई एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब हम सारे दोस्त अलग हो जाएंगे, अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे, तो फिर हम मिल नहीं पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे एक साथ। तो हाँ फाइनली आज वो दिन आ गया है, मेरा एक दोस्त लक्ष्य बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो अभी थोड़ी देर में उसकी बस है और वो चला जाएगा फिर। तो फिलहाल चलो चलते हैं, गौरव भी आ रहा है, गौरव और मैं लक्ष्य को बाय बाय बोलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ फिलहाल बस स्टैंड। गाइस मतलब बुरा लग रहा है काफी अंदर से कि भाई लक्ष्य जा रहा है, बट क्या कर सकते हैं गाइस, यही लाइफ है ना, लाइफ में हमेशा तो हम साथ नहीं रह सकते ना, अलग होना ही है एक ना एक दिन सबसे, तो वही है। चलो फिलहाल चलते हैं गाइस। बाहर देखो, बाहर बारिश हो रही है भाई, आज तो आसमान से भी आंसू गिर रहे हैं यार। गाइस ऐसे ही आंसू हमारे भी गिर सकते हैं, बट गाइस नहीं, हम लड़के हैं ना, हम रोते नहीं हैं, हम अपने आंसू अपने अंदर ही छुपा लेते हैं भाई। तो हाँ कितना भी इमोशनल हो जाए लेकिन रोएंगे नहीं, कंट्रोल कर लेंगे भाई। देखो भाई बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। गाइस गौरव आ गया है, हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? रोना जैसा आ रहा है आज, है ना? आगे वाली सीट के लिए लड़ाई होती थी हमारी भाई, विश्वास नहीं हो रहा लक्ष्य जा रहा है यार, है ना? एक ऐसा लग रहा है ना कि टीम थी, जैसे तारक मेहता की उल्टी चश्मे में टप्पू गया ना, वैसा वाला हो रहा है अभी। गाइस पता है लक्ष्य ने ना एकदम से बताया भाई कि मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, और भाई एकदम से झटका लगा, और उसने फीस भी जमा कर दी थी। हाँ हमें ये भी नहीं पता था उसने फीस जमा कर दी थी, बाद में पता चला भाई उसने एडमिशन लिया, फिर हमको बताया कि मैं जा रहा हूँ भाई। चले फिर चलते हैं ब्रो, कही गए हम चलना तो भाई, छोड़ के आते हैं उसको आज। रोऊंगा नहीं लेकिन आज भाई, हम रोते नहीं है लड़के हैं ना, रोते नहीं है भाई लड़के हैं, छुपा लेते हैं, छुपा लेते हैं। चलो फिर चलते हैं लक्ष्य के पास। भाई तू जा रहा है क्या सही में? खत्म हो गया सब, तू रो क्यों रहा है? सुन आज तो उसको आगे बैठने दे गाइस, आज कोई लड़ाई नहीं, देख लो प्रेम मोहब्बत से जा रहा हूँ पीछे। आजा मेरे भाई, जा रहा हूँ क्या मैं सच्ची में? भाई बोल दे ये झूठ है, लेकिन जाना पड़ेगा यार, पता है घर के लड़के में ना जिम्मेदारियां होती हैं, है ना, उन्हीं जिम्मेदारियों में बद क्या लोगे जा रहे हैं। तू वहाँ अकेले कैसे रहेगा यार? यार रहना पड़ेगा यार,
अकेले रह लेगा सच्ची बता? कुछ तो इंतजाम करो। तो रोटी बनानी भी नहीं आती तब भी मैं है? थोड़ी प्रैक्टिस करके गया हूँ भाई, आटा गूंद लिया मैंने, गूंदना सीख लिया मैंने। तो तूने भी वहाँ कुछ नहीं देखा है, पीजी हॉस्टल कुछ नहीं देखा है, तू ऐसी जा रहा सीधे खो जाएगा भाई। बस मेरा एक साथ वाला है बस। अच्छा कोई है? एक साथ। अच्छा अच्छा चलो गाइस ये बढ़िया है, लक्ष्य का एक दोस्त है वहाँ पे, वो भी वहीं पे रहता है हॉस्टल में, तो लक्ष्य उसके साथ ही रहेगा। एक साथ होना जरूरी है भाई। फिर कब आएगा वापिस? अब मैं आऊंगा दिवाली की छुट्टी में। दिवाली में आएगा? गौरव तेरा प्लान लेके जाने का कहीं? यार एक ना एक दिन तो जाना ही है यार दी भाई। दो दिन और रुक जाऊंगा, तीन दिन और रुक जाऊंगा, चार दिन रुक जाऊंगा, लेकिन पांच दिन तो जाना ही है। हाँ गाइस ये तो है यार, एक दिन सब मतलब अलग ही हो जाएंगे, बहुत कम मिलेंगे फिर यार। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, एक समय ऐसा भी आएगा जब तेरी शादी हो जाएगी, तेरे बच्चे हमारे, लेकिन मैं अपने बच्चों को इनके संग ब्लॉग बनाऊंगा, है ना? बनाओ जाओ, तीनों के बच्चे ब्लॉग बनाते रहो, ब्लॉग जाओ भाई। लेकिन प्रॉमिस करो मिलते रहेंगे, दोस्ती ऐसी रहेगी। दोस्ती नहीं कम होनी चाहिए भाई, दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। मेरे साथ कौन मिलाएगा? यही टूट गई दोस्ती। गाइस कुछ भी हो, कभी भी मतलब दोस्ती कम नहीं होनी चाहिए भाई, दोस्ती हमारी कम नहीं होगी, चाहे कितना ही कम मिले, कितनी दूर रहे, बट यही दोस्ती रहेगी हमेशा। बात करते रहेंगे फोन पे भी और मिलते रहेंगे जब लक्ष्य आएगा। गाइस पता है हमने 3 साल साथ में रहे कॉलेज में, और हमने भाई इतने मजे किए ना साथ में, इतने मोमेंट्स बनाए हैं, इतने व्लॉग्स बनाए हैं भाई, वो सब बहुत याद आएंगे यार। मतलब याद तो आते ही हैं, खैर इतनी मेमोरीज कलेक्ट कर दी ना वो व्लॉग्स में ही है भाई हमारे। भाई हमारे 3 साल कब बीत गए थे, पता ही चला भाई, पता ही चला गाइस 3 साल। लिटरली हम लोग अपने पुराने वाले व्लॉग देख के आज भी हंसते हैं भाई, इतना मजा आता है ना व्लॉग देख के जो हमने बना रखे हैं, सच्ची में गाइस यार। और केदारनाथ वाली ट्रिप तो भाई मुझे अभी भी याद है, मतलब वो तो गाइस भी देखता हूँ, बेस्ट थी वो ट्रिप तो, वो बेस्ट थी भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी पंचक्की आया अभी घर जा रहा हूँ, देखो ये है ना, ये मेरे को जहाँ साहिल लेने आता था ना, मेरे को ऐसा लग रहा है साहिल अभी मेरे को छोड़ने आया और मैं घर जाने वाला हूँ। तो हाँ गाइस अगर आप कॉलेज में हो स्कूल में हो तो फुल फन करो दोस्तों के साथ, बाद में भाई सब अलग हो जाते हैं एक टाइम के बाद, और फिर मिलना बहुत कम होता है, तो इंजॉय करो लाइफ को और काम भी करो, काम करना भी जरूरी है और एंजॉय सही तरीके से करो, गलत चीजों में मत फंसो, नशे ऐसे ये चीजें मत करो। नहीं गाइस गलत चीज तो करनी नहीं है, हमने आज तक कभी नहीं करी, कभी नहीं भाई, सच्चाई है गाइस, हमने कभी कुछ नहीं करा ऐसा, मतलब गलत चीजें, हम नॉर्मल है तीनों के तीनों और नॉर्मल ही रहेंगे। मतलब हमारा एंजॉय का होता है घूमो खाओ डांस करो, डांस बहुत करते हैं लोग, डांस करते हैं मस्ती करते हैं घूमते फिरते हैं, गलत चीजें कभी नहीं करी। तो अभी गाइस लक्ष्य कर रहा है नयन से बात। नयन भाई क्या बताओ यार इसे, अब हाँ यार जा रहा हूँ यार, अब जाना तो पड़ेगा यार, गलत डिसीजन लिया तूने जाने का, तेरे बिना मजा नहीं आएगा यार। ये देख क्या खोल रहा है? ओह केदारनाथ वाली फोटो दिखा दे यार भाई। अबे रो क्यों रहा है तू? अजी वो रहा तू जा रहा है, अभी रो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा गेम में आओ गाइस पबजी में आओ। चलो बाकी चलो चलते यार, चलो यार भाई भाई वरना बस निकल जाएगी इसकी। भाई मत जा यार मत जा, अभी भी टाइम है, रुक जा भाई रुक जा भाई रुक जा, यहीं पढ़ ले भाई। तो अभी गाइस बस ढूंढ रहे हैं, शायद ये वाली है, देखो भाई पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, तो गाइस कंफर्म हो गया है यही बस है, जा रहा हूँ यार। चलो भाई भाई यार भाई बैग ले जाना है, बैग डालने है पहले। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा। तो भाई सुन अच्छे से रहना और देख के रहना भाई, बैग का ध्यान रखना अपने, ठीक है? वो तो है, बहुत चोरियाँ भी होती हैं, और वहाँ भी अच्छे से रहना बिल्कुल हॉस्टल में, तो बस यही कहूँगा फिलहाल तो, और खुश रहना। तो बस स्टार्ट हो गए फाइनली, चल भाई ध्यान रखना अपना, ठीक है? ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। गया भाई गया भाई गया गया भाई, हम ही रह गए भैया। भाई तुम एक काम करो, दो लड़ाई कर लो आज लास्ट बार, कर लो यार। नहीं यार भाई लड़ाई कर लो यार, अरे आपको वो वाला सीन नहीं बताया ना, हमने दिल्ली वाला गाइस, इनकी लड़ाई बहुत फेमस है, ये हर व्लॉग में लड़ते रहते थे, अभी दिल्ली वाली लड़ाई नहीं देखी। हाँ गाइस गाइस जब हम दिल्ली गए थे ना उस टाइम पे इनकी भाई क्या लड़ाई हुई थी, खतरनाक वाली। अगर साहिल नहीं होता ना, एक बंदा गया था, एक बंदा गया भाई, खून वून आते भाई, बट इन्होंने लड़ाई करी लेकिन अगले ही पल इन्होंने गले मिला फिर। हाँ ये है ये है। हाँ। फिर शाम को सरोजनी साथ ही गए, और हाँ दोनों साथ में आए, और गाइस ये कच्चा सरोजनी से लाया थे, सरोजनी कच्चा है।